आसिम, आसिम के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा है, आसिम को भी कहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो मुझे उनके बात पसंद नहीं थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा यू नो टेम्परमेंट हो जाते हैं कभी कभार टास्क के टाइम पे स्पेशली, बट ठीक है होता है कभी कभार, मे बी यंग हैं तो टास्क के दौरान, एंड ऐसा तो नहीं है कि हम सब ने पहले बिग बॉस किया, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस हर किसी का है, तो हर किसी के पर्सपेक्टिव्स, हर किसी के तरीके अलग है। बट रेस्ट ही इज़ वेरी केयरिंग व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो इनफैक्ट ही वाज द वन जो मेरे बैक का बहुत ध्यान रखते थे, आसिम इज़ द वन। सो आफ्टर लाइक रश्मि डेफिनेटली, सो या वो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मैंने वहाँ पर बोला है कि वहाँ पर अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का कोई बन सकता है दैट इज़ आसिम। इतने वक्त तक 13 लोग जब एक साथ अनजान लोग रहते हैं तो वहाँ पे हर किसी के साथ एक ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं हर किसी। बट आई पर्सनली फील कि उसके बावजूद भी अगर आसिम आपकी दोस्ती को समझता है, सो आसिम के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा है, आसिम को भी कहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो मुझे उनके बात पसंद नहीं थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा यू नो टेम्परमेंट हो जाते हैं कभी कभार टास्क के टाइम पे स्पेशली, बट ठीक है होता है कभी कभार, मे बी यंग हैं तो टास्क के दौरान, एंड ऐसा तो नहीं है कि हम सब ने पहले बिग बॉस किया, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस हर किसी का है, तो हर किसी के पर्सपेक्टिव्स, हर किसी के तरीके अलग है। बट रेस्ट ही इज़ वेरी केयरिंग व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो इनफैक्ट ही वाज द वन जो मेरे बैक का बहुत ध्यान रखते थे, आसिम इज़ द वन। सो आफ्टर लाइक रश्मि डेफिनेटली, सो या वो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मैंने वहाँ पर बोला है कि वहाँ पर अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का कोई बन सकता है दैट इज़ आसिम। इतने वक्त तक 13 लोग जब एक साथ अनजान लोग रहते हैं तो वहाँ पे हर किसी के साथ एक ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं हर किसी। बट आई पर्सनली फील कि उसके बावजूद भी अगर आसिम आपकी दोस्ती को समझता है, सो आसिम के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा है, आसिम को भी कहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो मुझे उनके बात पसंद नहीं थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा यू नो टेम्परमेंट हो जाते हैं कभी कभार टास्क के टाइम पे स्पेशली, बट ठीक है होता है कभी कभार, मे बी यंग हैं तो टास्क के दौरान, एंड ऐसा तो नहीं है कि हम सब ने पहले बिग बॉस किया, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस हर किसी का है, तो हर किसी के पर्सपेक्टिव्स, हर किसी के तरीके अलग है। बट रेस्ट ही इज़ वेरी केयरिंग व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो इनफैक्ट ही वाज द वन जो मेरे बैक का बहुत ध्यान रखते थे, आसिम इज़ द वन। सो आफ्टर लाइक रश्मि डेफिनेटली, सो या वो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मैंने वहाँ पर बोला है कि वहाँ पर अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का कोई बन सकता है दैट इज़ आसिम। इतने वक्त तक 13 लोग जब एक साथ अनजान लोग रहते हैं तो वहाँ पे हर किसी के साथ एक ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं हर किसी। बट आई पर्सनली फील कि उसके बावजूद भी अगर आसिम आपकी दोस्ती को समझता है, सो आसिम आई